औसतन आप समझिए कि एक महीने के अंदर पासपोर्ट लोगों को मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि सत्यापन जल्दी हो जाता है तो 2 या 3 दिन में भी लोग पासपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। जिन आवेदकों के पास कभी भी पासपोर्ट नहीं रहा है वो फ्रेश कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, और जिन्होंने कभी भी पहले उनके पास पासपोर्ट रहा है उन्हें हमेशा री इशू कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही प्राप्त होता है उसके बाद पासपोर्ट प्रिंट होकर पासपोर्ट चला जाता है, अगर आपके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं है तो। पासपोर्ट को लेकर आम लोगों में उत्सुकता देखने को मिलती है। जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनवाए हैं वे जानना चाहते हैं कि आखिर पासपोर्ट कैसे बनेगा, कहां आवेदन करना होगा, कितने दिन में बनेगा या कितने पैसे लगेंगे। आम लोगों के लिए ये सवाल सामान्य है। वहीं जिनके पासपोर्ट बन चुके हैं वे इसकी वैलिडिटी को लेकर चिंतित रहते हैं, वे इसके रिन्यूएबल का प्रोसेस जानना चाहते हैं, या लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किन देशों में पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इन सब सवालों के जवाब लेकर आए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची की पासपोर्ट पदाधिकारी मनिता कुमारी से जानिए पासपोर्ट से संबंधित A to Z। देखिए, सबसे पहले जिन आवेदकों के पास कभी भी पासपोर्ट नहीं रहा है वो फ्रेश कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जिन्होंने कभी भी पहले उनके पास पासपोर्ट रहा है उन्हें हमेशा री इशू कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। आप जब पासपोर्ट का नॉर्मल आवेदन देते हैं तो आपको 2 प्रूफ लगानी पड़ती है, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जिसमें आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, कोई पॉलिसी हो लाइफ इंश्योरेंस की वो लगा सकते हैं, 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दूसरा, आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है, अगेन उसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑफिस से एक लेटर हेड पे भी जारी किया हुआ एड्रेस प्रूफ हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आप तत्काल सेवा में अगर अप्लाई करते हैं, तत्काल यानी कि आपको तुरंत पासपोर्ट चाहिए, तो आपको एक तीसरा आईडी प्रूफ लगाना पड़ता है जो इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस पासपोर्ट 2 कैटेगरी में बनता है, ECR और ECNR। जो 18 से 50 वर्ष के आवेदक होते हैं अगर उनको इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी वो देश से बाहर जाते हैं तो उनको प्रोटेक्टेड ऑफ इमिग्रेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए 18 देशों में जाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना 10th का सर्टिफिकेट हमारे अपने आवेदन के साथ जमा कराए, अगर 10th का नहीं तो 12th का या फिर अपने ग्रेजुएशन का। बस यही कुछ इन्हीं दस्तावेजों पर पासपोर्ट आपका जारी होता है। प्रक्रिया, पासपोर्ट जो सारा प्रोसेसिंग है वो रियल टाइम में होता है। जैसे ही आवेदक हमारे किसी भी सेंटर पर जाता है, कुछ सेंटरों को छोड़ के जो मैंने बताया ऑफलाइन मोड में है, जो ऑफलाइन मोड में है वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, पर जल्दी हम झारखंड के सारे सेंटरों को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आवेदक अपना प्रोसेसिंग कराता है उसी दिन हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस सत्यापन, उसमें कितना समय लगता है उसके हिसाब से आपका पासपोर्ट जारी होता है। कभी कभी हमें पुलिस सत्यापन 1 दिन के अंदर, कभी 2 दिन के अंदर, और नॉर्मल केसेस में जैसे रांची का अगर मैं बताऊं तो 13 दिन के अंदर एवरेज ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही प्राप्त होता है उसके बाद पासपोर्ट प्रिंट होकर पासपोर्ट चला जाता है, अगर आपके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं है तो। पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस सत्यापन। पासपोर्ट एक्ट के तहत कुछ कैटेगरीज हैं जिनको पासपोर्ट जारी हम नहीं कर सकते, जैसे कि जिनके अगेंस्ट किसी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, या फिर जिनको किसी कोर्ट का समन है, वारंट है, या फिर जिनको पिछले 5 साल में 2 साल की सज़ा हुई है। तो इस तरह के आवेदकों को पासपोर्ट दूसरे तरीके से जारी होता है, उसके कुछ और प्रक्रिया है। तो पुलिस सत्यापन के द्वारा ही ये हमें पता चलता है कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। तो जब पुलिस वाले ये सब रिपोर्ट हमें दे देते हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये पासपोर्ट जारी हो सकता है। तो पुलिस सत्यापन ऑनलाइन हो गया है काफ़ी ज़्यादा, सारे झारखंड के आपके 300 थाने हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं और बचे हुए थाने भी धीरे धीरे जोड़े जा रहे हैं, जिससे जैसे ही हम यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट भेजते हैं सत्यापन का, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ जो थाना है वहाँ भी पहुँच जाता है। तो थाना प्रभारी जो भी है वो अपने टैबलेट पर, हमारा एक एप्लीकेशन है एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप, उसके जरिए अपने फील्ड में रहते हुए भी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली पेपरलेस हो गया है और रियल टाइम में हो गया, और हम भी अपने सिस्टम से देख पाते हैं कि कौन सा सत्यापन किस स्तर पर रुका हुआ है।
काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल में देखेंगे तो विदेश मंत्रालय ने काफ़ी सुधार लाया है ताकि जितना ज़्यादा हम सिटीज़न सेंट्रिक काम कर सकें। जैसे कि सिंगल पेरेंट्स को पहले अपने माइनर बच्चों का पासपोर्ट बनाने में मुश्किलें आती थी, लेकिन अब सिंगल पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों का पासपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्फन होते हैं, उनके जो ऑर्फनेज के हेड होते हैं, उनके लेटर हेड पे भी अगर उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, हम उसको भी मान्य समझते हैं। तीसरा, पहले तत्काल सेवा लेने के लिए आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए होता था, अब वो सब आपको नहीं चाहिए। आपको बस जब नॉर्मल एप्लीकेशन में 2 ID देते हैं, आपको तत्काल में 3 ID प्रूफ देना पड़ता। तो ये सब, इन सब, इसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पहले मजिस्ट्रेट से कुछ साइन करा कर लाना पड़ता था, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई चेंज है, इन सबको बंद कर दिया गया है। सिटीज़न जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरता है उसको हम मान्य समझते हैं, उसके बाद वो सिटीज़न की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने सही इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। पासपोर्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको विदेश यात्रा करनी है। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, आपको राइट है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यू हैव अ राइट टू होल्ड पासपोर्ट। तो हर कोई पासपोर्ट के लिए, जो भी भारत का नागरिक है, वो पासपोर्ट का आवेदन कर सकता है। देखिए, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवाते हैं, चाहे फ्रेश बनवाएं चाहे रीइशू करवाएं, और नॉर्मल बुकलेट लेते हैं, तो मात्र 1500 रुपये का फ़ी है, जो बहुत ही नाम मात्र है। और अगर तत्काल सेवाएँ लेते हैं तो आपको 1500 के अतिरिक्त 2000 रुपये और देने पड़ते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट 10 साल के लिए दिया जाता है, और अगर माइनर होते हैं तो उनको 5 साल के लिए जारी किया जाता है। नमस्कार, जोहार। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और विदेश मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि झारखंड में अपनी सेवाओं को और भी बेहतर बना सके। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा गुमला स्थित जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसको हमने ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया है। इससे अब हम रियल टाइम में, वास्तविक समय में, लोगों का पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त झारखंड में आज के डेट पर हमारे 15 आवेदन सेंटर हैं। अब हम अपना 16वां आवेदन सेंटर कोड्डा में जल्द ही खोलने जा रहे हैं। आशा करेंगे कि हो सकता है अक्टूबर दुर्गा पूजा के पहले माननीय सांसद कोड्डा अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हमारा जो पासपोर्ट सेवा केंद्र रांची है, जो गैलेक्सिया मॉल में दूसरे तल्ला पर स्थित है, लोगों के बढ़ते डिमांड, पासपोर्ट के डिमांड को देखते हुए हम नया पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने वाले हैं मिमिक आईटी पार्क में, जो बड़ा होगा और बेहतर होगा। आज हम यहाँ पर करीब 500 आवेदन एक्सेप्ट कर पाते हैं एक दिन में, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पर हम कम से कम 700 आवेदन एक दिन में आराम से एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा जो जमशेदपुर, बोकारो और चाईबासा पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसको हम और भी बेहतर बना रहे हैं ताकि हम वहाँ पर अभी जो, जैसे जमशेदपुर में 90 आवेदन हम एक दिन में प्राप्त करते हैं, उसको हम 150 के करीब ले जा सकें। विदेश मंत्रालय ने एक और निर्णय, बड़ा निर्णय लिया है। झारखंड में पहला विदेश मंत्रालय का कार्यालय, अपना खुद का कार्यालय, ये नगरी रांची में एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ऑफिस बिल्डिंग, जहाँ पर आरपीओ रांची तो होगा ही। इसके अलावा ये भी अपेक्षित है कि विदेश मंत्रालय के जो बाकी जन संबंधित विभाग है, जैसे कि प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट, वो भी अपने कार्यालय को वहाँ से शुरू कर सकेंगे।